और अब खबर रीवा से, जहां बीते दिनों मनगवा मलकपुर तालाब में ईदगाह एवं उर्स कमेटी के द्वारा कव्वाली का आयोजन किया गया था, जिसमें कानपुर के शरीफ परवाज को श्रोताओं का मनोरंजन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कव्वाल के द्वारा देश के मंच से प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझते हुए हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की बात कही थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने कव्वाल शरीफ परवाज सहित उर्स कमेटी के आयोजक के खिलाफ मामले को दर्ज करवा लिया है। सोमवार को मनगवा कस्बे में उर्स का आयोजन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर और कानपुर के कव्वालों को बुलाया गया था। इसी कव्वाली के कार्यक्रम में कानपुर के कव्वाल शरीफ परवाज ने हिंदुस्तान को लेकर कुछ विवादित बोल बोल दिए थे। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। ये वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस वीडियो को लेकर थाने पहुंच गए और कव्वाल और उर्स कमेटी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया था। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की थी। पुलिस ने इनकी शिकायत पर कव्वाल शरीफ परवेज और उर्स कमेटी के आयोजक सहित दो लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने 153/505/2/298 के तहत मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। करेक्ट, वो 28 तारीख को जो कव्वाली का प्रोग्राम था उसका वीडियो वायरल हुआ जो कल, उसके बाद फिर कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई मनगवा थाने में, तो उनकी शिकायतों पर दो लोगों के विरुद्ध, एक प्रमुख कव्वाल है जिनका नाम है शरीफ परवाज और उसके जो उर्स कमेटी के जहाँ वो आए थे जिन्होंने प्रोग्राम को आयोजित किया था, उन लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। 153/505/2/298 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, साथ में आरोपी की भी पतासाजी की जा रही है। कब्बाल कहाँ रहने वाले, कोई जानकारी जानकारी है पुलिस को, आपको बता दिया जाएगा।